एवरीवन, मैं हूँ सुमन रॉय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो दशमशा चार्ट के ऊपर रहेगा। करियर रिलेटेड एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप आप लोग यहाँ पे जान सकते हो इस वीडियो के थ्रू। बट किसी भी डिविजनल चार्ट को देखने से पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपने लगन चार्ट को देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और स्पेशली इस वीडियो में मैं जिस भी रूल के बारे में बताऊंगी उसके लिए तो आपके लगन चार्ट का यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा, ठीक है। बट उससे पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द एस्ट्रो विद्यालय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियोस आप मिस ना करें। और अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो अभी आप लोग डिस्क्रिप्शन सेक्शन में चले जाइए, वहाँ से आपको सब डिटेल्स मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे देन एक लाइक कर दीजिएगा, कॉमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को जो लोग एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं उन लोग के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हमेशा खुश रहिए, यही प्रार्थना के साथ डिस्कशन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल देखना होगा कि आपके लगन चार्ट के अनुसार या D1 चार्ट के अनुसार आपका 10th हाउस का लॉर्ड कौन सा प्लैनेट है। अब देखिए, वो प्लैनेट आपके D10 चार्ट में कौन से हाउस में प्लेस्ड है। अब आपके D10 चार्ट में वो प्लैनेट जिस भी हाउस में प्लेस्ड होगा, वो हाउस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं आपके करियर में एक मेन रोल में रहेगा। इधर उस हाउस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में आप अगर ऑलरेडी इन्वॉल्व्ड हो तो कहीं ना कहीं आपका जो लक है वो आपको और ज़्यादा सपोर्ट करेगा। हालांकि यहाँ पे साइन का भी देखना पड़ेगा, या फिर आपके लगन चार्ट में जो प्लैनेट को जो नक्षत्र मिला है वो भी देखना पड़ेगा। बट फिर भी वो हाउस कहीं ना कहीं एक प्राइम रोल में रहेगा। सपोज़ आपका 10th हाउस का लॉर्ड मरकरी है। अब अगर वो मरकरी D10 चार्ट में सपोज़ 4th हाउस में प्लेस्ड है, तो 4th हाउस रिलेटेड चीज़ें आपके करियर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगी। यहाँ पे मैं इन शॉर्ट थोड़ा बहुत आप लोगों को बता दूंगी कि फर्स्ट से लेके 12th हाउस तक अगर आपका D1 चार्ट का 10th हाउस का लॉर्ड जो प्लैनेट बना है वो प्लेस्ड है, तो आपको किस टाइप के प्रोफेशन में जाना चाहिए, ठीक है। बट ये बस एक पार्ट है, इसको कंक्लूशन की तरह बिल्कुल भी मत लीजिएगा। तो अब देखिए, अगर यहाँ पे आपको D1 चार्ट का जो 10th हाउस का लॉर्ड है वो आपको अपने फर्स्ट हाउस में मिला D10 चार्ट का, तो यहाँ पे बेसिकली दिखाता है कि आपके लिए कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड प्रोफेशन अच्छा होगा, मतलब इंडिपेंडेंट प्रोफेशन, या फिर बिजनेस आप लोगों के लिए अच्छा होगा, गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई भी काम आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो, कोई भी लीडरशिप पोजिशन में जाने की जो एक पोटेंशियल है वो यहाँ पर देखा जाता है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ऑथोरिटेटिव पोस्ट तक आपको मिल सकता है अगर आप प्रॉपर हार्डवर्क करोगे। और यहाँ पे आपके पर्सनैलिटी में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा आपके करियर के थ्रू। अब अगर सेकेंड हाउस में प्लेस्ड है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोग फैमिली बिजनेस अगर आपका है तो वहाँ पे आप लोग इन्वॉल्व हो सकते हो, या फिर फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी फील्ड, जैसे कि बैंकिंग हो गया, फूड बिजनेस हो गया, मतलब फूड से रिलेटेड जैसे कि रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी आप यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकते हो, या फिर जहाँ पर आपका स्पीच यूज़ होता है जैसे कि वो टीचिंग फील्ड भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, अगर थर्ड हाउस में प्लेस्ड है तो थर्ड हाउस देखिए कहीं ना कहीं आपका यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप की बात करता है, कोई भी ऑनलाइन बिजनेस में आप इन्वॉल्व हो सकते हो, या फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए मीडिया से जुड़ा हुआ कोई भी काम, कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कोई भी काम आपके लिए अच्छा रहेगा, और कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग भी इन्वॉल्व रह सकती है आपके प्रोफेशन में। अब देखिए, अगर फोर्थ हाउस में है तो मदर का रोल यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन में रह सकता है, या फिर अगर आप लोग घर से जुड़ा हुआ कोई भी काम करो, मतलब जैसे कि यहाँ पे रियल एस्टेट हो गया, या फिर टीचिंग प्रोफेशन भी यहाँ पे कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा, या फिर जो भी काम आप घर से ऑपरेट कर पा रहे हो कुछ इस टाइप का काम भी आपके लिए यहाँ पर सूटेबल होगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे फिफ्थ हाउस में प्लेस्ड है तो यहाँ पे अगर आप लोगों का कुछ हॉबी है तो आप उसके ऊपर अपना जो प्रोफेशन है वो परस्यू कर सकते हो, या फिर कोई भी क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ, एंटरटेनमेंट से जुड़ा हुआ कोई भी काम आपके लिए अच्छा रहेगा, या फिर ब्यूटी से जुड़ा हुआ कोई भी काम आपके लिए यहाँ पर अच्छा रहेगा। यहाँ पर टीचिंग प्रोफेशन भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करता है, बट यहाँ पर अगर फिफ्थ हाउस में है तो जॉब चेंजेस वगैरह, कहीं ना कहीं करियर फील्ड चेंजेस ये भी हो सकता है, क्योंकि 10th से 8th हाउस पर
करता है फिफ्थ हाउस। यहाँ पे देखिए स्पेकुलेशन से जुड़ा हुआ, स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ काम भी आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर सिक्स हाउस में प्लेस्ड है तो जैसे कि सर्विस आप लोगों के लिए अच्छा होगा, या फिर मेडिकल प्रोफेशन, लॉ से जुड़ा हुआ प्रोफेशन आपके लिए अच्छा होगा, मतलब जहाँ पे कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन फेस करना पड़े, या फिर कहीं ना कहीं पेट एनिमल्स से जुड़ा हुआ कोई भी काम भी आपके लिए अच्छा रह सकता है। ठीक है, तो मतलब एक डेली वर्क रूटीन आपका मतलब एक रहेगा, मतलब जहाँ पे ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होगा, तो इस टाइप का कुछ भी प्रोफेशन आपके लिए अच्छा रहेगा। अब अगर सेवेंथ हाउस में है तो कहीं ना कहीं आप समझ लो बिज़नेस आपके लिए अच्छा रहेगा, ट्रेडिंग अच्छा रहेगा, या फिर कोई भी आप पार्टनरशिप बिजनेस में काम कर सकते हो, या फिर कोई भी रिलेशनशिप काउंसिलर आप बन सकते हो, मतलब कोई भी काउंसलिंग फील्ड के लिए भी सेवेंथ हाउस में अगर प्लैनेट है आपका, मतलब टेंथ का लॉर्ड सेवेंथ पे, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट माना जाएगा। और कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन में ट्रैवल भी इन्वॉल्व रह सकता है, या फिर कहीं ना कहीं आपको फॉरेन लैंड जाना पड़े, क्योंकि सेवेंथ हाउस कहीं ना कहीं फॉरेन लैंड को भी रिप्रेजेंट करता है। और या फिर मैरिज से जुड़ा हुआ कोई भी प्रोफेशन भी आपके लिए यहाँ पे सूटेबल हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपको एट्थ हाउस में प्लैनेट मिला, तो एट्थ हाउस में अगर है तो कहीं ना कहीं करियर में अप्स एंड डाउन रहेगा, और करियर के थ्रू आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन भी आएगी, बट कहीं ना कहीं रिसर्च रिलेटेड कोई भी वर्क आपके लिए अच्छा रहेगा। आप एक बहुत अच्छे प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर भी बन सकते हो, या फिर ऑकल्ट रिलेटेड कोई भी वर्क, एस्ट्रोलॉजर वगैरह भी आप बन सकते हो। यहाँ पे कहीं ना कहीं टैक्स इंश्योरेंस डिपार्टमेंट, जैसे कि गवर्नमेंट का जो टैक्स हो गया, इंश्योरेंस डिपार्टमेंट का एग्जामिनेशन आप देके यहाँ पे क्लियर करके एक बहुत अच्छे टैक्स ऑफिसर भी यहाँ पे बन सकते हो, अगर आपके चार्ट में और भी चीज़ें यहाँ पे सपोर्ट कर रही है तो। बट यहाँ पे देखिए एट्थ हाउस कहीं ना कहीं थोड़ा सा सीक्रेटिव हाउस माना जाता है, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपके वर्क में कहीं ना कहीं सीक्रेट्स थोड़ा बहुत इन्वॉल्व हो, या फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के साथ आपको डील करना पड़ रहा है, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। अब देखिए अगर नाइन्थ हाउस पे प्लेस्ड है तो कोई भी टीचिंग रिलेटेड प्रोफेशन आपके लिए सूटेबल होगा, कंसल्टेंसी से रिलेटेड प्रोफेशन, आप बहुत अच्छे कंसल्टेंट बन सकते हो, एचआर रिलेटेड कोई भी जो पद है वो आपके लिए सूटेबल रहेगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपके प्रोफेशन में ट्रैवल इन्वॉल्व हो, या फिर फादर का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, कोई भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ भी आपके प्रोफेशन में इन्वॉल्व हो सकती है, या फिर अगर आपका इंक्लाइनेशन कोई भी रिलीजियस प्रोफेशन की तरफ है तो आप वहाँ पे भी परस्यू कर सकते हो। अब अगर यहाँ पे टेंथ हाउस में प्लैनेट मिला तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा ये प्लेसमेंट बन जाएगा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा जो स्टेटस है वो आपके वर्क के थ्रू आपको मिल सकता है, गवर्नमेंट बोलिए या फिर कुछ ना कुछ पद आपके करियर में यहाँ पे आपको मिल सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा एक आपको रिस्पेक्ट दिलाएगा समाज में, तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा प्लेसमेंट बन जाता है। और यहाँ पे अगर प्लैनेट आपका प्लेस्ड है और अगर D1 चार्ट में भी मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली प्लेस्ड है, तो एक बहुत अच्छे सक्सेसफुल करियर पर्सन आप यहाँ पे बन सकते हो। ठीक है, अब अगर 11th हाउस में प्लेस्ड है तो कहीं ना कहीं देखिए आपके वर्क के थ्रू जो गेन है वो यहाँ पे शो करता है, या फिर कहीं ना कहीं कोई भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में आप करियर में यहाँ पे इन्वॉल्व रह सकते हो, NGO में भी आप इन्वॉल्व रह सकते हो, मतलब सोसाइटी के लिए जो भी काम है वो आप कर सकते हो, मतलब आप यहाँ पे जिस भी प्रोफेशन में इन्वॉल्व रहोगे वहाँ से कहीं ना कहीं गेन्स आपको मिल सकता है। आपके प्रोफेशन में जैसे कि नेटवर्क सर्कल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, एल्डर सिबलिंग अगर है आपका तो उनका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ कोई भी काम आप यहाँ पे कर सकते हो। अब देखिए अगर 12th हाउस में प्लेस्ड है तो यहाँ पे फॉरेन लैंड से जुड़ा हुआ कोई भी प्रोफेशन आपके लिए सही रहेगा, या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ कोई भी ऐसा काम जो बिहाइंड द सीन होता है, मतलब जहाँ पे आपको फ्रंट डेस्क का कोई काम ना दिया जाए, मतलब जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं आइसोलेशन में रह के, या फिर आपका कुछ प्राइवेट ऑफिस हो वहाँ से आप काम ऑपरेट कर रहे हो, तो वो सारे काम आप बहुत अच्छी तरीके से करोगे। यहाँ पे जैसे कि हॉस्पिटल में भी आप यहाँ पे काम कर सकते हो, या फिर कोई भी NGO हो गया, आश्रम हो गया, ये सारे मतलब फील्ड में अगर आप जाओ तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से सक्सेस यहाँ पे मिल सकता है। मतलब यहाँ पे 12th हाउस देखिए 12th हाउस आइसोलेशन का हाउस है, तो कोई भी रिसर्च वर्क में भी अगर आप इन्वॉल्व रहो, सपोज आप लैबोरेटरी में काम कर रहे हो, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहेगा, मतलब जहाँ पे आपको
बहुत ज़्यादा पब्लिक डीलिंग ना करना पड़े। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे इन शॉर्ट बताने की कोशिश की है कि कैसे आप अपने D1 चार्ट के 10th हाउस के लॉट का जो प्लेसमेंट है वो D10 चार्ट में देख के एक बहुत अच्छा आइडिया लगा सकते हो कि आपको किस प्रोफेशन में जाना चाहिए। ठीक है, सो आज का जो डिस्कशन है वो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।